hello everyone welcome to my channel creative ashita so before seeing the video please like share subscribe and hit the bell icon for the latest update so this is the part 3 earlier i have uh, i have uploaded the part 1 and part 2 so if you uh, i will if you want that part 1 and part 2 so i will provide you in the description also and i button also okay so you can see from here ओके हेयर इट विल शो द आई बटन यू कैन सी फ्रॉम हेयर ओके ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट रेडिंग ओके मेक दिस सर्किट वी यूज अब आप एक सर्किट बनाइए जो कि आप एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट थ्री में आपने यूज़ किया होगा फिर से बनाइए तो रिप्लेस कर सकते हैं आप सेल बैटरी के फोर सेल्स पर और ये जो इस प्लेस में ना नाइक्रोम वायर और टाइट कर दीजिए उसके स्ट्रैंड स्टील वुड से स्टील वूल से ठीक है तो ये देर हो सकता है कोई फैंस होते हैं रूम्स में जो कि स्विच ऑफ होते हैं तो वह पास कर सकते हैं करंट को सर्किट तो तो में कुछ समय के लिए और ऑब्जर्व करिए ये जो स्ट्रैंड होते हैं ना स्टील के ध्यान से तो वट क्या होता है तो जो स्ट्रैंड होता है ना स्टील का स्टील वुल का वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है तो वायर जो कि मेड होती है ना कुछ स्पेशल मटेरियल से वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है लार्ज सर इलेक्ट्रिक करंट से और पास हो जाती है तो ये जो वायर्स है ना यूज़ होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए ठीक है मतलब इन ऑल बिल्डिंग्स जो फ्यूज होती है ना वो इंसर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो ये मैक्सिमम लिमिट करंट की होती है जो कि सेफ्टी होती है और फ्लो करती है सर्किट से तो अगर बाय एक्सीडेंट जो ये जो करंट है ना वो एक्सीड हो जाता है सेफ लिमिट तो ये जो वायर होती है ना वो ओवर हो जाती है और वो फायर भी ला सकती है तभी जो प्रॉपर फ्यूज़ होते हैं ना इन सर्किट्स में वो ब्लो ऑफ हो जाते हैं और ब्रेक करते हैं सर्किट तो जो फ्यूज़ है ना वो सेफ्टी डिवाइस है जो कि जो कि मतलब कि प्रिवेंट करती है डैमेज इलेक्ट्रिक सर्किट्स का और पॉसिबल फायरस का तो ये जो फ्यूजेस होती है ना डिफरेंट काइंड्स यू यूज़ होती है डिफरेंट पर्पज़ के लिए जैसे कि आपको शो किया हुआ है फिगर में तो जो फ्यूज़ होती है ना वो हाउसेज में भी यूज़ होती है तो ये फ्यूज़ उस ना शो करती है और वो यूज़ जो होती है इलेक्ट्रिकल अपलाइंसेज में तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का वो हमको ये बताता है कि हम कैसे वो वायर यूज़ करें और ये मतलब कि एडवांटेजेस क्या होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो बहुत सारे अदर इफ़ेक्ट्स भी करता है ठीक तो है तो अभी क्वेश्चन भी दे रखा है ऑलवेज़ यूज़ प्रॉपर फ्यूज़ विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर अप्लाइंसिस कैरिंग आई एस आई मार्क नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज़ ओके दिस डे इज़ मिनीचर सर्किट ब्रेकर तो ये जो बॉक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये या आप याद कर लीजिएगा तो ये जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर होते हैं ना एम सी वीज़ वो इंक्रीजली बिंग यूज होते हैं फ्यूज़ की जगह तो और ये जो है ना ये स्विचेज़ जो कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं और ये जो करंट होते हैं ना इन सर्किट्स में वो एक्सीड कर देते हैं इनकी सेफ लिमिट तो आप उनको टर्न ऑन कर दीजिएगा ठीक है और ये जो करंट है ना फिर से कंप्लीट हो जाता है तो जैसे कि आप आईएसआई मार्क देख सकते हैं एमसीबी सी के कि एम सी एम सी मार्क दिया हुआ है ठीक है तो अब ये करते हैं ओनली रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक मतलब कि यही रीज़न होता है एक्सेसिव करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट में कि वो जो हम वायर को टच कर देते हैं और ये हैपन हो सकता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं ना वायर के ऊपर वो ड्यू मतलब कि वीअर भी कर सकते हैं हमको टीयर भी कर सकते हैं तो ये जो है ना ये एक शॉर्ट सर्किट है तो ये जो ना रीजन है ना दूसरा रीज़न है ना एक्सेसिव करंट का वो कनेक्शन ऑफ डिवाइस भी हो सकता है और जो सिंगल सॉकेट होते हैं ना तो वो ओवरलोड कॉज कर सकते हैं सर्किट में ठीक है हम तो ओवरलोड भी कॉल कर सकते तो हो आपने ये रीड किया होगा कि रिपोर्ट्स हो देंगे उसपे पर ये ऑल्सो कॉल कर सकते हैं फायर को शॉर्ट सर्किट में और ओवरलोड भी हो सकते हैं ठीक है तो अब हम आगे करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो अब आप एक कार्डबोर्ड लीजिए कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए इनसाइड डिस मैच बॉक्स और रैप कर दीजिए मतलब कि उसके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वायर कुछ टाइम्स और राउंड कर लीजिए एक कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर प्लेस कर दीजिए छोटी सी कंपस नीडल इनसाइडेड अब कनेक्ट कर दीजिए फ्री हैंड्स वायर के टू इलेक्ट्रिक सेल्स थ्रू स्विच एज शोन अब आप नोट करिए उसकी डायरेक्शन जो कि मतलब कि कंपस नीडल पे पॉइंट कर रहे हो और ब्रिंग करिए बार मैग्नेट कंपस के नीडल के पास तो और ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है जब वॉचिंग होती है ना कंपस नीडल अब मतलब कि वॉच करने के लिए कंपास नीडल को ध्यान से देखिए तो मूव कर दीजिए स्विच को ऑन पोजीशन पर ठीक है तो आप अब क्या ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो कंपास नीडल होती है ना वो डिफ़्लेक्ट हो जाती है तो मूव कर दीजिए स्विच को बैक टू ऑफ पोजीशन तो ये जो कंपास नीडल है ना वो फिर से बैक आ जाएगी अपने इनिशियल पोजीशन पर अब रिपीट कर दीजिए इस एक्सपेरिमेंट को कुछ समय के लिए तो फिर क्या होता है ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या इंडिकेट करता है तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो नीडल होती है ना कंपास की वो बहुत ही मैग टाइनी मैगनेट होती है जो कि पॉइंट्स करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर तो जब हम इसको मैगनेट को क्लोज़ लाते हैं नीडल के तो नीडल जो है ना वो डिफ़्लेक्टेड हो जाती है और आपने ये देखा होगा कि जो कंपास नीडल है ना जब वो डिफ़्लेक्टेड हो जाती है जब करंट फ्लोज होता है नियर बाय वायर्स में तो अब आप क्या कब आप कनेक्ट कर सकते हैं दो ऑब्जर्वेशन को जब करंट फ्लोज होता है वायर के तो ये जो वायर है ना वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो तभी जो कि साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन और रेस्टेड ये रे ये है आप देख सकते हैं नाम भी इनका दे रखा है यहाँ पे और इनकी एड भी दे रखी है ठीक है तो वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया कि जो डिफ्लेक्टेड होती है ना कंपास नीडल की एवरी टाइम जो कम जो करंट पास होता है ना वायर के थ्रू तो ये जो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना वायर के तो वो बिहेव करते हैं मैग्नेट की तरह तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट का तो तभी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो यूज़ हो सकती है मैग्नेट की तरह तो, तो अब आप सरप्राइज हो गए होंगे तो अब हम ट्राई आउट करते हैं रिमेंबर कि स्विच को ना मतलब कि करंट स्विच uh, को ऑन मत करिए करंट की तरफ या फिर मोर देन फ्यू सेकेंड्स एट टाइम तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वीकेंड्स मतलब कि वो वीक वीक हो जाता है जब हम सेल को क्विकली कनेक्ट नहीं करते तो ये पार्ट थ्री था तो नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल कर देंगे तो अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो